मेरठ के ऐतिहासिक 3 तीर्थ स्थलों से भेजी गई है, जिनमें एक कलश की मिट्टी मेरठ के प्रसिद्ध गगोल तीर्थ स्थल यहीं जहां हम खड़े हुए हैं यहां से भेजी गई है। दूसरे कलश में मिट्टी मेरठ के प्रसिद्ध ओगड़नाथ मंदिर से भेजी गई है और तीसरे कलश की मिट्टी मेरठ के प्रसिद्ध बालाजी धाम शनि मंदिर से भेजी गई है। तो जो गगोल तीर्थ यहाँ हम जो खड़े हुए हैं, ये बड़े ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक स्थली है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर स्नान करते हैं और धर्म लाभ कमाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी के साथ यहाँ आकर ताड़का का वध किया था। देखिए, राम जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है, यह मेरठ व मेरठ वासियों के लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि मेरठ के गगोल तीर्थ स्थली की मिट्टी भी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या निर्माण में लगने वाली है और यह मेरठ के लिए बड़ा ही गौरव व हर्ष का विषय है। 5 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद व अन्य अपने संगठनों के माध्यम से मेरठ महानगर को बड़ी अच्छी प्रकार से सजाया जाने वाला है। 5 अगस्त को सभी लोग दीपावली पर्व की तरह मनाने वाले हैं। मेरठ में आप देखेंगे सभी सड़कें अच्छी प्रकार से साफ सफाई की हुई मिलेंगी, कली चूना डला मिलेगा, शहर के प्रमुख सभी चौराहों पर कली चूना डला होगा, रंगोलियां बनी होंगी, भगवा पताकाएं लगी होंगी। इसी प्रकार आप मेरठ शहर या मेरठ के गांव के अंदर जाकर देखेंगे तो अभी से एक माहौल बनकर दिखाई देने लगा है। गांवों के अंदर सभी के घरों पर भगवा पताकाएं लहरा रही हैं, गांवों में सफाई करने में लोग जुट गए हैं और घरों में दीपक खरीदे जा रहे हैं। 5 अगस्त को सभी शहरवासी दीपावली पर्व की तरह मनाने वाले हैं और हम सभी राम भक्तों से एक आग्रह भी करते हैं कि 5 अगस्त को जब भूमि पूजन होगा तो हम इस पर्व को किस प्रकार से मनाएं। सभी जानते हैं एक लंबे कालखंड की लड़ाई के बाद, 492 वर्षों की लड़ाई के बाद यह स्वर्णिम अवसर आया है जब अयोध्या के अंदर भव्य श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। यह भारतवासियों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व भर के अंदर रहने वाले हिंदुओं के लिए बड़े गौरव का विषय है, बड़े हर्ष का विषय है। हम भूमि पूजन वाले दिन अपने घरों के अंदर दीपक जलाएं, छत पर अपने घरों में ऊपर भगवा ध्वज लगाएं, अपने संस्थान मंदिरों में भी साफ सफाई करें, दीपक जलाएं, भगवा पताकाएं लगाएं, अपने घरों और मंदिरों में हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें या अपने इष्ट देव का स्मरण करें और हर्ष के साथ इस त्यौहार को मनाएं और थोड़ा शारीरिक दूरी का भी ध्यान रखते हुए सुरक्षित रहते हुए पूरे हर्ष उल्लास के साथ 5 अगस्त को हम सभी मिलकर एक दीपावली पर्व के रूप में मनाएं। ऐसी तैयारी मेरठ के अंदर चल रही है।